यस लिखिए बेटा प्रश्न लिखिए अब आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बहुपद, ये आपको बहुपद है, ये आपका पी एक्स है। तो इस बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कीजिए, गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्य, शून्यक ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करो। तो यह दर्शाओ, संबंध दर्शाओ, संबंध की जांच करो, संबंध की, संबंध की जांच करो, संबंध की जांच करो, संबंध की जांच करो। हमें संबंध की जांच भी करना है कि इनमें संबंध सही है या नहीं है। चलो तो शून्य हमारे पास है, क्या है शून्य, सॉरी बहुपद हमारे पास है, बहुपद क्या है आपका, बहुपद बोलो, एक्स माइनस एट। अब ये आपका बहुपद है, सबसे पहले तो आप बहुपद से क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद से आप शून्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पी एक्स बराबर जीरो रखना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स का मान कितना है, पी एक्स का मान एरिया, ये पूरा मान उठ के कहा आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, पलक खड़े हो जाओ, एक्स का गुणांक देख के बताओ बेटा, एक्स का गुणांक माइनस माइनस एक्स थोड़ी बोलेंगे, एक्स का गुणांक पूछ रहा हूं, पूरा थोड़ी होता गुणांक, एक्स के आगे जो संख्या लिखी रहती है वो गुणांक होता है, कितनी बार बता दिया आप लोगों को, एक्स के आगे जो संख्या लिखी है वो उसका गुणांक है, टू एक्स तो पद हो जाएगा, ये तो पद है, टू एक्स क्या है, ये दूसरा पद है, तो एक्स का गुणांक कितना है बेटा, माइनस टू, वेरी गुड, बैठ जाओ है ना, और एक्स स्क्वायर का बैठ जा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तू बता, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा रहता है, जो लिखा रहता है वो गुणांक होता है, सीधी सी गणित। और अचर पद कितना है, अचर पद, अचर पद कितना है, खड़ा कितना है अचर पद, आठ दिखाई कम देता है, अचर पद कितना बेटा, दीपिका दो, दो शानू एक, एक तो भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ना, ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, माइनस दो एक्स का गुणांक हो गया, तो अचर पद क्या है, अचर पद क्या शानू, शानू क्या करिश्मा, माइनस आठ, वही तो बात है, तुम पूरी चीज तो बोलती नहीं हो, माइनस का आठ, बैठ जाओ। तो अब ये आपका समीकरण बन गया, बहुपद क्या बन गया, अब आपका वर्ग समीकरण बन गया। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके शून्य, देखो है ना, एक और आठ का मल्टी करो, एक गुणी आठ बराबर आठ,
गुणा करें तो आठ, गुणा करने पे कितना आना चाहिए आठ, तो घटाने पे, घटाने का कैसे पता लगा, ये घटाने का निशान, गुणा करने पे आठ और घटाने पे चार, दो कितना आना चाहिए दो, चार दो, वेरी गुड। तो अब मुझे शानू बताएगी, बेटा बोल क्या लिखूं, बेटा मैं बोल बोल दीजिए फटाफट शानू, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस चार प्लस टू एक्स माइनस आठ, वेरी गुड, है ना, गाइड में से देख के बताया ना, गाइड में से देखा ना, गाइड में है ही, कॉपी में तो रखा है, अरे वाह वेरी गुड, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, कोशिश अच्छी थी, मतलब कर लिया आपने, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉपी में कर लिया इसको, तो अच्छा लगा मुझे। चलो अब दो दो के ग्रुप बन गए, बन गए दो दो के ग्रुप, है ना, दो दो के ग्रुप बन गए, बताओ पहला जो ग्रुप है, पहले वाले ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स इसके पास भी है और एक्स इसके पास भी, तो ये तो एक गया, एक्स कॉमन आ गया। अब एक्स का दो पावर, कितना पावर है, दो में से एक बार आ गया, तो एक रह गया, है ना, ये एक रह गया, माइनस ये वाला एक्स कहाँ चला गया, बाहर चला गया, क्या रह गया, अकेला चार रह गया, है ना, फिर इधर से कॉमन क्या आ गया, इधर से आठ का मतलब क्या, आठ का मतलब ये हो जाता है दो गुणे चार, अब दो इसमें भी दिख रही है, दो इसमें भी दिख रही, दो बाहर आ जाएगा, दो इसमें, दो इसमें, तो प्लस का दो बाहर आ गया, क्या रह गया आपका, एक रह गया माइनस, ये दो तो बाहर चला गया, चार रह गया कि नहीं, बराबर में जीरो। अब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि दोनों डब्बे कैसे हैं, सेम टू सेम, है, तो हम इसको इस डब्बे को एक बार लिख देंगे, ठीक है ना, इस डब्बे को हमने एक बार लिख दिया, फिर अगले ब्रैकेट में इसको और इसको लिखेंगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा धन का, यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात, किसको नहीं आई मुझे बता दें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसको बात समझ में नहीं आ रही है, मैं रिपीट कर दूंगा, है तुम दोनों पीछे से, दोनों बालिक हैं यहाँ पीछे से, यहाँ यही खाली आगे यहाँ तक समझ में आपको, चलो अब हमें शून्य निकालना है, है ना, तो अब हम शून्य निकालते हैं, है ना, क्या है एक्स माइनस चार बराबर जीरो, फिर एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो ये शून्य का चार बन गया था, तो इस तरीके से दो शून्य मैंने आपके सामने निकाल लिए, सही है क्या शून्य। अब हमें जांच करना है, क्या जांच करना है कि इनके संबंध की, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, इनके बीच में संबंध कैसा है ना, तो अब हम इनके संबंध की जांच कर लेते हैं, शून्य को लिखो, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, अल्फा धन बीटा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, माइनस बी, बोल माइनस बी बटे ए, वेरी गुड, माइनस बी बटे ए, है अल्फा क्या हो गया, इसको अल्फा मानेंगे, इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको, इसको हमने बीटा मान लिया, है देखो भैया ये तो आपका अल्फा हो गया, अल्फा बराबर चार और ये बीटा बराबर इनका दो, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर, अल्फा इज इक्वल फोर एंड बीटा इज माइनस टू,
तो यहां मान रख दो अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा इज माइनस 2 माइनस बी का मान कितना है? बी का माइनस माइनस 2 माइनस 2 बीज माइनस 2 और ए ठीक है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और नीचे तो एक तो रहता ही है लिखने की जरूरत नहीं चार में से दो गया तो दो बराबर तो दोनों तरफ एल एच एस बराबर ये मैंने आपको शून्यकों का योगफल और गुणांकों ये गुणांक है ये बी क्या है गुणांक है ए क्या है गुणांक है किसका ए किसका गुणांक है ए किसका गुणांक है बता ए किसका गुणांक है ये समीकरण नहीं रहते काफी क्या है एक है और बी की जगह कितना है माइनस दो और सी की जगह 8 तो ये ए हो गया ये बी हो गया और सी हो गया ये गुणांक माइनस बी बटे ए गुणांक है ना तो गुणांकों के मान रख दिए दोनों तरफ सेम आ गए तो संबंध में देखा हमने कि दोनों तरफ बराबर है वो बराबर होना चाहिए अगर बराबर नहीं आते तो हमारा सवाल गलत है बराबर नहीं आते हैं तो हम गलत हैं चलो अब ये तो शून्यकों का योग हो गया अब शून्यकों का गुणनफल है ना शून्यकों का गुणनफल देखेंगे भाई चलो शून्यकों का गुणनफल देखो अल्फा इंटू बीटा कितना सूत्र क्या है सी बटे अल्फा कितना था 4 बीटा कितना था माइनस 2 सी कितना था 8 माइनस 8 और ए कितना था ए 4 दुनी 8 मगर माइनस और इधर भी माइनस 4 अब हम क्या देख रहे हैं माइनस एल एच एस बराबर आर एच एस ठीक है ना तो मैंने आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताया और शून्य निकालना भी सिखाया ना चलिए सबको किसी को डाउट है क्या इस सवाल में नहीं है ना